सब आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आ गए हैं आपके साथ फिर से एक नया ब्लॉग लेकर। आज हम आपको अपने बर्थडे का पूरा वीडियो देंगे दोस्तों। आप सभी लोग देखिएगा कि हमारे बर्थडे में किस तरह से सेलिब्रेशन किया गया है, इसको हमने किस तरह से सेलिब्रेट किया है। हमने बहुत ज़्यादा मेहमान नहीं बुलाए हैं, घर में ही छोटी सी पार्टी रखवाई है। और आज के दिन में भगवान श्री कृष्ण की छठी भी थी, तो छठी और मेरा बर्थडे एक साथ मनाया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, पहले हमने छठी का जो भी पूजा पाठ होता है वो हमने कर लिया था। 7 बजे के करीब हमने भगवान की पूजा कर ली थी और उसके बाद 9 बजे हमने बर्थडे का केक काटा है, बर्थडे सेलिब्रेशन किया है। तो देखिए बच्चों ने कितना अच्छा सा डेकोरेट किया है, बहुत सारे बैलून वगैरह लगाए हैं। मम्मी हमारी आई हुई हैं, भाभी आए हैं, बहनें आई हैं, तो बहुत अच्छे से किया है बच्चों ने, बहुत मन से पूरा डेकोरेट किया है। तो मम्मी टीका कर रही हैं, सबसे पहले मम्मी टीका करेंगी और उसके बाद एक एक करके सभी लोग टीका करेंगे। आप लोगों के यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन किस तरह से होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारे यहाँ इस तरह से सेलिब्रेशन किया जाता है बर्थडे का। टीका लगाने के बाद आरती उतारी जाती है और उसके बाद जो केक वेक कटने का प्रोग्राम होता है वो किया जाता है। मोमबत्ती बुझाने का समय आ गया है। ये हमारे आयुष्मान जो हैं वो लाए थे मैजिक वाली मोमबत्तियाँ, उसको पता था कि मम्मी इनको बुझा नहीं पाएंगी तो इसीलिए वो मैजिक वाली मोमबत्तियाँ लेकर के आया था, क्योंकि एक बार फूंक मारने पर दोबारा फिर से जल जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे कितना खुश हो रहे हैं। हमारी छनछन छोटी सी खड़ी हुई है, वो भी बहुत खुश है, क्लैपिंग कर रही है। तो देखिए वो सबको देख रही है किस तरह से सभी लोग क्लैपिंग कर रहे हैं। और ये मेरे हस्बैंड हैं जो कि बगल में खड़े हुए हैं, इनको भी आप लोग जानते होंगे। तो देखिए मोमबत्तियाँ जल रही हैं क्योंकि आयुष्मान ने सारी मोमबत्तियाँ बहुत जल्दी जल्दी जला दी थी, पहले ही जला दी हैं। उनको बड़ा मज़ा आने वाला है कि मम्मी मोमबत्तियाँ कैसे बुझाएंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम मोमबत्तियाँ बुझाते जा रहे हैं, मोमबत्तियाँ दोबारा से जलती जा रही हैं। और इस तरह की जो मोमबत्तियाँ होती हैं ये मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन उनको बुझाने में बड़ा दिक्कत होती है, एक बार में ये बुझती नहीं है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जल्दी से मैं मोमबत्तियाँ बुझा सकूं ताकि ये लोग मेरी हंसी ना उड़ाएं, क्योंकि ये सभी लोग बहुत हंस रहे हैं, खड़े खड़े देख रहे हैं सब लोग और हंस रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि सारी मोमबत्तियाँ मैंने बुझा ली हैं और बुझाने के बाद सबने ज़ोरदार क्लैपिंग भी की है कि हाँ मैंने मोमबत्तियाँ बहुत जल्दी से बुझा ली हैं। इसमें अगर ज़रा सी भी चिंगारी रह जाती है तो ये मोमबत्तियाँ फिर से जल उठती हैं। तो देखिए मोमबत्ती बुझ चुकी है और अब हम केक कट करेंगे। आगे का वीडियो आप देखिए और इंजॉय करिए किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट किया है। ये हमारे भाई हैं जो कि बैलून फोड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि सब लोगों ने अभी बैलून नहीं फोड़े हैं, बहुत सारे बैलून अभी लगे हुए हैं। बहन हमारी बहुत शौकीन है बैलून की, आप सभी लोग देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, हमारी दोनों बहनें हैं, मम्मी हैं, हस्बैंड हैं, सभी लोग हैं और सब लोग बहुत खुश हैं। तो छनछन हमारी सबसे ज़्यादा खुश है, आप लोग देख सकते हैं कैसे किए जा रही हैं। ये हमारे बेटे हैं आयुष्मान, ये सबसे ज़्यादा खुश थे। तो देखिए मुझे किस तरह से इन्होंने केक खिलाया है, मेरे पूरे फेस में इन्होंने केक लगा दिया था। और ये मेरे लिए पेन लेकर आए हैं गिफ्ट में देने के लिए, बहुत देर से ये अपनी पॉकेट में रख रहे थे, फिर से निकाल रहे थे, फिर से रख रहे थे, फिर से निकाल रहे थे। इनका मन था कितनी जल्दी हम अपना गिफ्ट मम्मी को दें। और इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती की है, तो अभी इनकी मस्ती थोड़ी सी बाकी है। आप लोग देखिए कि इनकी मस्ती अभी क्या बाकी है, ये क्या करने वाले हैं। सभी बच्चों को टीका किया था मम्मी ने और ये आयुष्मान रह गए थे बाद में, तो इनको बाद में टीका हो रहा है। अभी देखिए ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने तो पूरा मेरी जो नेम स्लिप थी वो मेरे मत्थे पर ही चिपका दी थी, जिसको देखकर सभी लोग बहुत हंस रहे थे। और अब ये पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके हैं कि इन्होंने फुल मस्ती कर ली है और अब सभी लोग एक दूसरे को केक खिलाएंगे। पार्टी तो बहुत छोटी सी ही थी लेकिन बहुत आनंद आया, क्योंकि जब हम सभी लोग ऐसे भी मिलते हैं, कुछ कार्यक्रम नहीं होता है तब भी अगर हम सब लोग मिलते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं। हम लोगों ने रात में, भगवान श्री कृष्ण की छठी थी उस उपलक्ष्य में, हमने करीब 11-12 बजे तक खूब सारे भजन कीर्तन भी किए हैं और बहुत मज़ा आया। तो दिखे ये हमारी भाभी हैं और भैया भाभी ने हमको बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया था, राधा कृष्ण की बहुत अच्छी सी फ़ोटो हमको दी थी, फ्रेमिंग फ़ोटो थी बहुत अच्छी, वो हमने दीवार पर लगा दी थी, तुरंत ही लगा दी थी। और ये हमारे छोटे बहनोई हैं, ये भी हमारे छोटे बहनोई हैं और अभी हमारी एक बहन और बाकी हैं, हमारी 3 बहनें हैं। तो हम सभी लोग जब मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं तो बहुत
मज़ा आता है। तो ये देखिए हमारी बहन ने हमको गिफ्ट दिया है, गिफ्ट में क्या है अभी हम आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे, पूरा हम आपको दिखाएंगे कि हमें गिफ्ट में क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो ये देखिए ये भी हमारी सिस्टर है, ये भी हमसे छोटी है और ये बहनों ही हैं, इनकी बिटिया है और ये हमारे सबसे छोटी वाली सिस्टर है और ये इनके हस्बैंड हैं। तो ये मेरे देवर हैं, तो उधर से मेरे बहनों ही हैं और इधर से मेरे देवर हैं। तो ये मेरे घर में ही हैं, इनकी शादी मेरे देवर के साथ ही हुई है। तो ये बहन हमारी हमारे घर ही में है। तो आप लोग देख सकते हैं ये सबसे लास्ट में केक खिलाने आई हैं। तो ये बहन तो हमारी हमारे साथ ही रहती है, हमारे घर ही में रहती हैं, चाचा के घर में रहती है, हमारे चाचा के बेटे के साथ इनकी शादी हुई है। तो हम लोगों का जब भी मन करता है हम लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं। और ये दोनों बहनें हमारी जो हैं थोड़ा दूर से हैं, तो वो लोग आ जाती हैं जब भी कोई कार्यक्रम होता है तभी आती हैं। तो ये देखिए ये हमारी बिटिया है छनछन, तो छनछन बड़ी हो चुकी हैं, इनका भी बर्थडे आने वाला है बहुत जल्द, हम आपको इनके बर्थडे का भी वीडियो देंगे। और ये हमारे देवर के बेटे हैं जो कि टीका लगा रहे हैं, और ये दोनों जो पीछे खड़े हुए हैं ये भी हमारे देवर के बेटे हैं। तो ये सभी आए हुए हैं आयुष्मान के साथ, ये सब बहुत मस्ती करते हैं और बहुत खुश भी थे। तो आप लोग देख सकते हैं, अब दिखाते हैं आपको गिफ्ट। तो आप लोग देखिए मेरे बर्थडे में मुझे क्या क्या गिफ्ट मिला है, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। तो मेरी बहन ने मुझे सूट दिया है, देखिए ये सूट है, सूट ये देखिए ऑरेंज कलर का सूट है जो कि मेरी बहन ने दिया है मुझे, छोटी बहन ने दिया है बर्थडे में, बहुत ही प्यारा है। और इसका ये दुपट्टा है, ये देखिए दुपट्टा है, जरी वर्क है इस पर, कढ़ाई भी है, देख सकते हैं आप लोग। तो मुझे ये बहुत पसंद है, ये इसकी सलवार है, ये सिल्क का है। और मुझे एक पर्स मिली है जो बहुत ही प्यारी है, ये देखिए ये पर्स है, बहुत अच्छी लगती है, ये इसमें चैन भी लगी हुई है। तो पूरी तरह से पैक था, मैंने इसको खोल दिया था लेकिन फिर मुझे लगा कि मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो इसकी पैकिंग खोल दी है। तो इसको मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए ये मेरा गिफ्ट है, और मम्मी ने मुझे पैसे दिए थे, भैया ने भी गिफ्ट दिया था, तो भैया ने राधा कृष्ण की सीनरी दी थी तो वो भी मैंने लगा दी है, वो लगी हुई है, वो फिर कभी दिखाएंगे आपको, वो दीवार पे लगी है। तो यही गिफ्ट मुझे मिले हैं, ये सूट मुझे मिला है, ये पर्स मिली है और पैसे मिले हैं। तो ये सूट आपको कैसा लगा, पर्स आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।